का सबसे सनसनीखेज तेजाब कांड, एसिड अटैक की कहानी पर सवाल, शक के घेरे में पीड़ित महिला, तेजाब कांड का झूठा साज। ये दास्तान है यूपी के सबसे सनसनीखेज तेजाब कांड की। ये दास्तान है उस महिला की जिस पर कई बार हुए एसिड अटैक, लेकिन अब सवालों के घेरे में है वो महिला। क्या है महिला के इल्जामों का पूरा सच, ये आज हम आपको बताएंगे। यूपी के सबसे बड़े एसिड अटैक की तमाम कहानियों का सबसे अहम किरदार है ये महिला। इस महिला की माने तो इसके ऊपर कम से कम 5 बार हुआ है तेजाब से हमला। महिला का इल्जाम है कि कुछ बेखौफ गुंडों ने कभी इसके घर में घुसकर किया एसिड अटैक, कभी चलती ट्रेन में इसे जबरन पिलाया तेजाब, और कभी हॉस्टल में घुसकर इस पर तेजाब से किया हमला। हर बार एसिड अटैक की जगह बदल जाती है, लेकिन नहीं बदलते हैं तो वो हैं इस पर तेजाब फेंकने वाले हमलावर। हर बार एसिड अटैक के बाद महिला ने कुछ ऐसे लोगों पर संगीन इल्जाम लगाए जिनके खिलाफ इसने पहले से ही मुकदमे दर्ज करा रखे थे। लंबी पुलिसिया तफ्तीश के बाद अब शक के घेरे में है ये महिला, और सवालों के घेरे में है इसके तेजाब कांड की कहानियां। तेजाब कांड का झूठा सच। ये कहानी लंबी है। महिला का इल्जाम है कि उसके ऊपर एक बार नहीं बल्कि 4-5 बार एसिड अटैक हो चुका है। लेकिन हम कहानी की शुरुआत करते हैं उस महिला पर हुए सबसे ताजा एसिड अटैक से। घटना 4-5 दिन पहले की है, जब महिला की चीखों से उसके हॉस्टल में मच गया था हड़कंप। वो 1 जुलाई की रात थी। यूपी के महिला कल्याण निगम के इस हॉस्टल में रहने वाली वो महिला पानी पीने के लिए उठी थी। अचानक ये हॉस्टल उसकी चीखों से गूंज उठा और देर रात यहां मच गया हड़कंप। देखते ही देखते पुलिस महकमे के आला ऑफिसर भी मौके वारदात पर पहुंचे। ये घटना स्थल है, ये हॉस्टल है वर्किंग वुमेन्स का, और यहाँ जो पीड़िता है यहीं रहा करती थी। और मैं जो बता रहे हैं यहाँ के लोग, जो बात हुई है, ये पानी लेने के लिए नीचे आई थी, ये पानी का नल लगा हुआ है वहीं पे, कोई उसका कहना है कि कोई आया और उस पर एसिड फेंक के गया। महिला ने आरोप लगाया था कि जब वो अपनी बोतल में पानी भर रही थी तो किसी ने हॉस्टल के अंदर घुसकर उसके ऊपर तेजाब से हमला कर दिया। लेकिन हॉस्टल के गार्ड और वार्डन इस बात से साफ इनकार कर रहे थे। उनका कहना था कि सामने वाला गेट बंद था, लिहाजा बाहर से तो कोई भी अंदर दाखिल हो ही नहीं सकता। अधीक्षिका, ये गार्ड ने जब मुझे इसके ऊपर कुछ पड़ा है तो गार्ड ने आवाज देके मुझे बुलाया, जैसे हम लोग बाहर निकल के आए 2 ही मिनट में पूरा हॉस्टल देखा गया और पुलिस को फोन किया, तुरंत पुलिस आ गई, तो कोई निशान नहीं मिला, ना कोई आदमी आते जाते देखा गया। मेन गेट से तो बिल्कुल नहीं आया। इसका कहना है कि पीछे के गेट से शायद आया, तो पीछे गेट से भी हम लोग पूरा ढूंढे, टॉर्च इमरजेंसी सब ले लेके। खुद को एसिड अटैक की शिकार बताने वाली महिला के आरोपों ने हॉस्टल में रहने वाली तमाम दूसरी लड़कियों और महिलाओं के साथ साथ स्टाफ को भी पूरी तरह डरा दिया था। कह नहीं सकते क्या है, लेकिन अगर ये ऐसा हुआ है तो हम लोगों को भी डर लग रहा है कि हमारी 82 बच्चियां हैं, अगर वो हॉस्टल के अंदर तक कोई आ सकता है तो कभी बिमला के धोखे में दूसरी लड़की को डाल सकता है। हॉस्टल में एसिड अटैक की तहकीकात करने पहुंचे पुलिस अफसरों को मौके वारदात का मुआयना करने के बाद भी किसी हमलावर के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं लगा था। लेकिन पुलिस के पास एसिड अटैक की शिकार बनी महिला पर शक करने की भी कोई वजह नहीं थी, वो भी तब जब महिला के चेहरे पर चोट के निशान थे।
वो अभी ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है पीड़िता, और उसको इंजरीज है ट्रॉमा में थी, अभी बात नहीं कर पाने की स्थिति में थी। पुलिस ने जख्मी महिला को फौरन अस्पताल में भर्ती करा दिया था। आरोप लगाने वाली महिला ने पहले भी एसिड अटैक की शिकायत की थी, लिहाजा अस्पताल के आसपास सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी। हॉस्टल के अंदर एसिड अटैक की खबरों ने इस महिला को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। एबीपी न्यूज ने भी इस सनसनीखेज तेजाब कांड की पड़ताल की। महिला के इल्जामों की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम उसके हॉस्टल भी गई। इस पड़ताल का जो नतीजा सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। महिला ने तब आरोप लगाया था कि 23 मार्च को जब ये ट्रेन से रायबरेली जा रही थी तो ट्रेन में कुछ बदमाशों ने इसका पीछा किया और मौका मिलते ही बदमाशों ने इसे जबरन तेजाब पिलाकर जान से मारने की कोशिश की थी। सुबह खाना वाना खा पी के स्टेशन पे छोड़ने के हम चले गए, बेटी की परीक्षा था तो वहाँ चले गए। अब यहाँ रास्ते में आए तो उनके ऊपर हमला कर दिए, एसिड डाल दिए मुंह में, पकड़ के दो आदमी। उस दिन इस महिला को जीआरपी पुलिस ने बेसुध हालत में ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया था। ट्रेन के अंदर का मामला है, जब ट्रेन मोहनलालगंज पर रुकी है उसके बाद ट्रेन के अंदर उनके कोच में ही जिस डब्बे में वो बैठी हुई थी वहीं पर वो दो लड़के आए हैं और जबरदस्ती उनके मुंह में एसिड उन्होंने डाला है। पीड़ित महिला ने बयान दिया था कि जिन लोगों ने इसे तेजाब पिलाकर जान से मारने की कोशिश की वो दरअसल बहुत पहले से ही इसके पीछे पड़े थे। महिला का आरोप है कि साल 2008 में कुछ दबंगों ने इसके साथ बलात्कार किया था, उसके बाद इस पर कई बार तेजाब से हमला किया गया। अब ये हमने और एसपी रायबरेली साहब ने दोनों ने उनका उनको देखा है, डॉक्टर से बातचीत की है, फिलहाल वो ठीक है लेकिन कुछ करोजिव बर्न्स उनके मुंह पर है तो उसकी हम लोग मुकदमा लिख रहे हैं और उनका ये कहना है कि जिनसे उनकी दुश्मनी चल रही है पास्ट में उन्होंने ही ये किया है, तो जो भी उन्होंने तहरीर दी है उसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और जो भी इसमें अपराधी होगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के नए सीएम आदित्यनाथ योगी पीड़ित महिला का हाल जानने के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचे थे। पीड़िता का इलाज इसी ट्रॉमा सेंटर में हो रहा है और इसी जगह पर 24 मार्च को मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद योगी आदित्यनाथ आए थे, जब इसी पीड़िता पर गंगा गोमती एक्सप्रेस में 23 मार्च की सुबह मोहनलालगंज के पास एसिड अटैक हुआ था। उस मामले में दो लोगों को आरोपी बनाया गया था, भोदू सिंह और गुड्डू सिंह। हालांकि एक तरीके से पुलिस ने इन दोनों को ही क्लीन चिट दे दी है, लेकिन पाँचवीं बार हुए एसिड अटैक के बाद इस पूरे मामले ने एक बार यूपी पुलिस के रोल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी के अस्पताल दौरे से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे सुरक्षा बल ने लापरवाही के आरोप में अपने 4 जवानों को सस्पेंड कर दिया था। वहीं महिला को एसिड पिलाने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब पुलिस का दावा है कि ट्रेन में तेजाब पिलाने के तमाम आरोप झूठे पाए गए थे। जो पिछली घटना में जो लोग प्रकाश में आए थे, एक तो पिछली जो जीआरपी वाली घटना है वो आप जीआरपी के अधिकारियों से बात करें, संभवतः उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गई, वो घटना सही नहीं थी। रायबरेली की रहने वाली ये महिला पिछले 7 महीनों से लखनऊ में स्वयं सेवी संस्था शीरोज कैफे में काम करती है। दरअसल शीरोज कैफे एक ऐसी संस्था है जिसमें काम करने वाली ज्यादातर महिलाएं एसिड अटैक की पीड़ित हैं। शीरोज कैफे के संचालन से जुड़े आशीष शुक्ल भी मानते हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है। अपराधी कौन है, यदि वो नहीं है तो कुछ दूसरे भी हैं, तो वो सामने आए या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। और दूसरा ये कि अगर ये संदेह के घेरे में तमाम चीजें हैं तो मुझे लगता है कि स्पष्ट इस पे जांच हो जानी चाहिए और क्लियर कर देना चाहिए इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। ये महिला जब से सवालों के घेरे में आई है तभी से पुलिस ने इसके तमाम इल्जामों की तहकीकात नए सिरे से शुरू की है। खबर है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने इस पीड़िता को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट बनाई है। एबीपी न्यूज को मिली इस रिपोर्ट के मुताबिक अपने विरोधियों को सताने और उनसे पैसे वसूलने के लिए ही महिला झूठी कहानियां बनाती है। आरोप है कि पिछले 9 साल में ये पीड़ित महिला 8 मुकदमे दर्ज करा चुकी है।
गैंगरेप से लेकर तेजाब से हमले का। सभी मुकदमों में त्रिभुवन सिंह और उनके घर वाले ही आरोपी बनाए जाते हैं। ये लोग रायबरेली में पीड़ित महिला के पड़ोसी हैं। इतना ही नहीं, पुलिस की रिपोर्ट में महिला पर संगीन सवाल उठाए हैं। गैंगरेप के दोनों मामलों में पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी है। पुलिस तफ्तीश में दोनों ही केस झूठे पाए गए। इस नए खुलासे से पुलिस की मुस्तैदी और सरकारी मशीनरी के कामकाज का तरीका सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल इस महिला को योगी सरकार भी 1,00,000 रुपए दे चुकी है, और जब अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे तब महिला को 1,50,000 रुपए और एक घर भी रहने को दिया गया था। सवाल ये है कि क्या पहले इस महिला को एसिड अटैक की पीड़ित मानकर जितनी भी मदद की गई, क्या वो तथ्यों की तहकीकात के बगैर ही कर दी गई थी? सन की आशिक का खौफनाक गुनाह। एक तरफा इश्क में खूनी खेल। एक लड़का जिसके हाथ में चाकू था और सिर पर खून सवार था। एक लड़की जो अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो खुद को बचा नहीं पाई। आप भी देखिए एक तरफा इश्क में नाकाम एक सनकी आशिक का खूनी इंतकाम। सीसीटीवी कैमरा में कैद है एक दिल जले आशिक का गुनाह। ऐसा खौफनाक गुनाह जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तरफा इश्क में नाकाम उस सनकी आशिक ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को सरेआम चाकुओं से गोद कर मार डाला। सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरा की ये तस्वीरें इस दर्दनाक सच्ची घटना की गवाही दे रही हैं। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार, चौथा वार और फिर पांचवा वार। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि हाथ में चाकू लिए सनकी के सिर पर किस कदर खून सवार था। लड़की उससे अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन बेबस लड़की की हर कोशिश नाकाम हो गई। चाकू वाले शैतान ने लड़की पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। चाकू के वारों से लहूलुहान लड़की अपनी जान बचाने के लिए जूझ रही थी। वो बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये शैतान तो जैसे उसके खून का प्यासा था। वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए पास ही की एक दुकान में भागी, लेकिन शैतान के खतरनाक मंसूबे अब भी पूरे नहीं हुए थे। वो शैतान उस लड़की के पीछे दुकान में घुस गया और फिर शुरू हो गई चाकू वाले शैतान की हैवानियत। लड़की को बुरी तरह लहूलुहान करने के बाद वो नौजवान तेजी से दुकान से बाहर आया और देखते ही देखते वहां से भाग निकला। दिल्ली के मानसरोवर पार्क थाने के रामनगर एक्सटेंशन इलाके में जिस लड़की पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया गया था, उस लड़की रिया गौतम की आज सुबह जीटीबी अस्पताल में मौत हो गई। सीसीटीवी में इसी जगह की फुटेज है जहां पर रिया अपनी जान बचाने के लिए स्टूडियो के अंदर घुसती है, और सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं मुश्किल से मात्र 50 मीटर की दूरी पर रिया का घर है। और तकरीबन शाम को 5:15 बजे के आसपास वो अपने घर से निकली थी दुकान के लिए, और तभी घात लगाए बैठे आदिल ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में बुधवार को एक लड़की के खून से हाथ रंगने वाले शैतान का नाम है आदिल। शुरुआती तहकीकात में पता चला है कि आदिल ने जिस लड़की को अपना निशाना बनाया वो इसकी अच्छी दोस्त थी और एयर होस्टेस का कोर्स कर रही थी। हैरानी की बात यह है कि जहां ये सनसनीखेज वारदात हुई वहां से लड़की का घर कुछ ही दूर बताया जाता है। लड़की अपने घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक दुकान से सामान लेकर लौट रही थी, तभी लड़के ने उसका रास्ता रोका। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसके बाद सनकी आदिल ने चाकू से वार कर दिया।
अभी जो पुलिस की शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक जो तकरीबन 7 से 8 चाकुओं के वार किए, जिसमें से पेट पर जो किया गया वार था वो उसके लिए जानलेवा साबित हो गया। हालांकि परिवार वाले ये भी कह रहे हैं कि जो आसपास के लोग हैं वो रिया को उठाने के लिए, मदद करने के लिए नहीं आए, बाद में ई रिक्शे की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। लहूलुहान लड़की को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी सांसों की डोर टूट गई। पुलिस के मुताबिक हमलावर आदिल का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। फिलहाल जो कि आदिल है वो फरार हो चुका है और पास के एक इलाके में रहता है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी बताया जा रहा है। लेकिन ये भी मामला सामने आया है कि तकरीबन 3 महीने जब रिया प्रीत विहार के फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जा रही थी तो आदिल ने उसके साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी करने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत मानसरोवर पार्क थाने में दी गई थी, जिसके बाद से आदिल फरार था। ये इसमें देख रहे हैं फैमिली की क्या कंप्लेन थी और उस पर क्या कार्रवाई करी गई है हमारे तरफ से, और ये जब भी आ जाएगी पूरी चीज हमारे सामने तो हम आपको जरूर बता देंगे उसके बारे में। कितने कुल मामले दर्ज हैं आरोपी? इसके आगे इसमें 4 केसेस हैं, चारों ऑटो लिफ्टिंग के ही हैं और इसमें MS पार्क है, शहादरा है, मयूर विहार है। फिलहाल पुलिस आरोपी आदिल की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस वारदात के बाद से वो गायब है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पुलिस ने वक्त रहते आदिल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की होती तो शायद आज उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। फिलहाल आदिल की खोजबीन चल रही है और इलाके में आसपास भी पूछताछ हो रही है कि आखिर ये पूरी वारदात जो थी उसमें और भी क्या कोई शामिल था, लेकिन फिलहाल शुरुआती तौर पर इसमें आदिल की ही भूमिका आई है और पुलिस उसको पूरी तरह से ढूंढने में लगी हुई है। रमसन मोहित के साथ गौरव श्रीवास्तव, ABP न्यूज दिल्ली। सच्ची घटना में अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड से आई रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। उत्तराखंड के चंपावत जिले में बारिश ने कहर बरपाया है। बारिश के कहर की ऐसी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं जिनको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उत्तराखंड में बारिश का कहर, नदी में तब्दील हुई सड़क, तेज धार में तिनके की तरह बह गई कार। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चंपावत की हैं। वहां मंच तामली इलाके में बहने वाली गंडक नदी में ऐसा उफान आया कि लहरों ने विकराल रूप धारण कर लिया। नदी का पानी किनारा तोड़कर सड़क तक आ पहुंचा और सड़क भी देखते ही देखते नदी में तब्दील हो गई। इसी दौरान नदी का पानी अपने साथ एक कार को भी बहा ले गया। खबर है कि इस कार के मालिक को बचा लिया गया। कार का मालिक बेबस खड़ा रह गया और पानी की लहरें कार को तिनके की तरह दूर बहा ले गईं। कार को अपनी आंखों बहता देखकर चालक वीडियो में कार के पास जाते हुए भी दिख रहा, लेकिन स्थानीय लोग जान जोखिम में ना डालने की हिदायत देते भी दिखाई दे रहे हैं। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए ABP न्यूज। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।